हेलो दोस्तों, वेलकम टू जागरण जोश। मैं हूं निधि मित्तल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बैंक में निकली हाल ही में वैकेंसियों के बारे में। दोस्तों, आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जाना होगा JagranJosh.com की वेबसाइट पर, जहां पर आपको होम पेज पर राइट हैंड साइड पर सर्च का बटन मिलेगा और आपको उस पर क्लिक करके लिखना होगा इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट। ये आपको लेकर जाएगा इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2020 के नोटिफिकेशन पेज पर, जहां पर आपको टॉप पर इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लिंक मिलेगा। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन बैंक ने हाल ही में 138 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आप indianbank.in की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो 10 फरवरी है। अगर आप इस आर्टिकल को नीचे की ओर देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड अदर डिटेल्स अबाउट द पोस्ट। अब जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 जनवरी को स्टार्ट हो गया था और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है वो 10 फरवरी है। आप इसके लिए अपने कॉल लेटर्स 20 फरवरी से डाउनलोड कर पाएंगे और इसका जो एग्ज़ाम की डेट तय की गई है वो 8 मार्च है। अगर आप इस आर्टिकल को नीचे देखेंगे तो इसमें हमने वैकेंसी सेग्रीगेशन दिया है। एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 138 वैकेंसियों की घोषणा हुई है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए 85 वैकेंसियां हैं, मैनेजर क्रेडिट के लिए 15, मैनेजर सिक्योरिटी के लिए 15, मैनेजर फॉरेक्स के लिए 10, मैनेजर लीगल के लिए 2, मैनेजर डीलर के लिए 5, मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए 5, सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए 1 वैकेंसी निकली है। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और बिजनेस मैनेजमेंट फिनेंस बैंकिंग में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर आपने CAICWA CFA क्वालिफिकेशन प्राप्त की हो। वहीं अगर आप मैनेजर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपने बिजनेस मैनेजमेंट फिनेंस बैंकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो या फिर CAICWA CFA की क्वालिफिकेशन प्राप्त की हो और इसके साथ ही आपने रेलेवेंट फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त किया हो। इसी तरह आप मैनेजर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपने 5 साल कमीशन ऑफिसर के तौर पर इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में काम किया हो या फिर आपने पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर काम किया हो या फिर असिस्टेंट कमांडेंट और इक्विवेलेंट रैंक इन पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। इसी तरह अगर आप मैनेजर फॉरेक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपने बिजनेस मैनेजमेंट फिनेंस बैंकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो या फिर CAICWA CFA की क्वालिफिकेशन प्राप्त की हो। इसी तरह आपने 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में प्राप्त किया हो। इसी तरह अगर आप मैनेजर लीगल के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास LLB की डिग्री हो और आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आप मैनेजर डीलर की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपने बिजनेस मैनेजमेंट फिनेंस बैंकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो या फिर CAICWA CFA की क्वालिफिकेशन प्राप्त की हो और रेलेवेंट फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त किया हो। इसी तरह अगर आप मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो और आपने बिजनेस मैनेजमेंट फिनेंस बैंकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो और रेलेवेंट फील्ड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी तरह सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपने बिजनेस मैनेजमेंट फिनेंस बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स रिस्क मैनेजमेंट मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो। अब जानते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए जो आपकी एज है वो 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। मैनेजर के लिए 25 से 35 साल के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। वहीं सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आपकी एज 27 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। अब जानते हैं इन पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो दोस्तों, मैनेजर सिक्योरिटी के लिए जो इसका सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा और अदर पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
अब जानते हैं आप इन वैकेंसियों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन वैकेंसियों के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10th फरवरी है, और इन वैकेंसियों पे अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी होगी। जो कैंडिडेट अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 600 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी होगी, साथ में GST देना होगा। इसी तरह SC ST PWBD से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को 100 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी होगी, साथ में GST देना होगा। दोस्तों, अगर आप इन वैकेंसियों के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में दिए गए नोटिफिकेशन PDF के ज़रिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपको इस नोटिफिकेशन PDF के हाइपर लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन के ज़रिए इस रिक्रूटमेंट की और डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों, ऊपर जो रेड मार्क दिया है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी इस आर्टिकल से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और आप इंडियन बैंक की वेबसाइट पर भी इस आर्टिकल में दिए हाइपर लिंक से डायरेक्टली विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इंडियन बैंक की वेबसाइट पर जाकर करियर के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक है फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन का लिंक आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी सभी इसेंशियल डिटेल्स डालकर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें सरकारी नौकरी ऐप। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहें www.jagranjosh.com।